सूर्य टोके ले आओ बंदा नहीं मरना कटिंग वाल करने ले वाल यार कपड़ा पा इतने मुंडा जाने अनंत भाई ने अभी हमें कोल्ड ड्रिंक कोल्ड कॉफी पिलाई है और वो हमने नहीं दिखाई क्योंकि हमारा टाइम नहीं था इतना इसलिए हमने दिखा सके ओए झूठ बोल रहे झूठ बोल रहा यार देख झूठ बोल रहा ए अबे मजाक ना कर मेरी बेइज्जती हो रही तो मैं हूं आज तारीख और आप देख रहे हैं एटीएस स्टील 97.7 ये हैं ताहिर भाई उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे तो आज का व्लॉग हम यहां से स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट इधर से क्यों ले रहे हैं इसकी एक वजह है कि हम घर से जल्दी जल्दी में से निकले थे कोई काम था तो काम क्या था वो आगे बताएंगे अगले आने वाले व्लॉग में तो अभी यहां से आगाज करते हैं यहां हम इस वक्त मौजूद हैं ये स्टेडियम के पास ये आप देख रहे हैं पीछे स्टेडियम मुल्तान ओल्ड स्टेडियम मुल्तान के पास मौजूद हैं तो आज का सीन क्या तार पे कहाँ जाना आज हमने कटिंग कराने जाना है कटिंग कराने जाना है ये देखे हमारे बाल तार भाई आप दिखाना बाल ये दिखा दो कोई नहीं ऑडियंस हमारी फैमिली है तो 700 के करीब क्रॉस कर चुके हैं हम तो आपकी दुआएं हैं आपका मोहब्बत है आपका प्यार है इंशाल्लाह आगे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि आप ऐसे तामन करते रहेंगे और हमारे भी लोग देखते रहेंगे और हमें सपोर्ट करते रहेंगे और हम आते ही अगर आपने हमारा सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो सब्सक्राइब करें घंटी का बेल आइकन प्रेस करें और लाइक अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें नहीं तो कोई आपसे शिकायत नहीं है फीडबैक ज़रूर दीजिए जैसा कैसा फीडबैक दिल से ज़रूर दें तो आज हम जा रहे हैं कटिंग कराने कहाँ जाते हैं वो हमारे क्या हैं किंग क्या नाम है किंग हेयर सैलून पे जा रहे हैं तो इंशाल्लाह आपकी दुआएं और आपका तावन साथ रहेगा तो चलें ताहिर भाई चलते हैं हमने जाना कहाँ है ताहिर भाई 14 नंबर जाना इस वक्त हम मौजूद हैं स्टेडियम के पास तो यहाँ से हम दौलत गेट जाएंगे दौलत गेट से आवे जमाल से 14 नंबर की तरफ जाएंगे सारी चौक से हाँ तो चलते हैं तो आज का व्लॉग दिखाते हैं कि कटिंग कैसी होती है ये देखिए अभी हाल बेहाल है तो आपको दिखाते हैं कि कटिंग शटिंग कैसे होती है बेहाल है और हमारे यार जो भाई हैं क्या नाम है भाई का अनस भाई से मिलवाते हैं तो उनका काम दिखाते हैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी तो चलते हैं दोस्तों अच्छी कटिंग करनी है कि लोग देख के आन वीडियो देखन के आ जान के अनस भाई को जान ठीक है अनस भाई रेडी है तो ताहिर भाई की बारी है तो पहले मेरी बारी तो पहले ताहिर भाई की बारी मेरी है ताहिर भाई की तो अनस भाई और आपकी तबीयत सेहत कैसी है करम अल्लाह पाक का तो अनस भाई ऐसे कितना टाइम लगेगा एक बंदे को तैयार करते इसको अगर दिल से किया जाए तो टाइम लगता है अगर जांच क्या किया जाए ये भी बताना कटिंग के लिए कैसे कटिंग किया जाए आप बैठे देखें कितना टाइम लगता है
हर इंसान का अपना एक तरीका, किसी का सर छोटा होता है, किसी का सर बड़ा होता है। सांचे पूरे हैं भाई जी, टेप साढ़े सर का सांचा आएगा हैगा, सांचा है तो हमारा सांचा पहले भी इधर मौजूद है, इनको पता हमारे सर का साइज और वैसी कटिंग करेंगे और वीआईपी कटिंग कर पाएगी, कटिंग की जानिब चलते हैं, तो चलते हैं भाई चूड़ियां टोके ले आओ, पता नहीं करना कटिंग बाल कटने ने बाल यार कपड़ा पा इतने मुंडा जाने ही अनस भाई ऊपर, इसको क्या कहते हैं अनस भाई, ये जो आप डाल रहे हैं ये दरी डाल दिए ताहिर भाई के ऊपर कपड़ा, इसको कहते क्या है वैसे, कुछ तो कहते होंगे नहीं अकलौता, काश हम पड़े होते तो नहीं, शेफ के पास उसका अपर होता है, ये भी अपर ही टाइप ही है। तो ये अनस भाई अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, बकरा वडन जा रहे हैं, ये तीन ये टोका कैंची इस तरह है, नहीं नहीं अच्छा ठीक है, अब ये वडन लगे ने खेत खेत इसकी बर्थडे है। पहले तुम की करना वा सर, पहले चेन निकालेंगे और हमारी भी समझ नहीं आती, कभी पंजाबी कभी उर्दू बोलने लग गया, फिर वो इंटरटेन होना चाहिए इंसान, थोड़ा फनी होना चाहिए, फनी होना चाहिए, जिंदगी मौत का क्या पता सर। हाँ तो कटिंग इस तरीके से करें कि अगला बंदा मुरझाया ना बैठा, हंसता रहे खिलता भी रहे, अच्छा सा स्टाइल हो, अच्छा हम इसको ऐसे थोड़े भाई स्माइल करेंगे, खुद स्माइल करेंगे, जैसे ही कटिंग इसकी अच्छी है खुद स्माइल निकलेगी। हाँ ये है, ये घर बंदा बीवी ना लड़के आवे तो इतने फिर हंस के जा रहे हैं, आप भी पंजाबी बोल रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं पंजाबी सराय की उर्दू, ये सारी हमारी अपनी जबान है, बकरा हूँ तो ये अनस भाई मशीन लगा रहे हैं, चारों तरफ से लगी थी, दोनों की सेम कटिंग करनी है आपने? नहीं मैं सीमेंट पाना सारे साइड बजरी बजरी सीमेंट ये चीज से जरूरत नहीं था, नहीं 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 अच्छा सही हो रही कटिंग। लोगों को एक ब्लेड लगता है ये, इसका माल मोटा है, इसको दो ब्लेड लगे हैं भाई, अरे काम अच्छा हो ना तो तीन भी लगाए कोई दुख नहीं होता। अच्छा काम अच्छा, काम अच्छा करते हैं हम सर। अच्छा क्या बात है, तकरीबन कितना हो गया कटिंग? बस ऊपर से कटिंग कर रहे हैं, ऊपर से सेट बाल करने, उसके बाद हो चुका है सेटिंग करने। फिर दाढ़ी का सेट, दाढ़ी सेटिंग बाल के सेटिंग कर रही है, अगर आपको जल्दी है तो आप अपने गर्दन हेलमेट उतार के रख के जाओ तो फिर कटिंग हो जाएगी थोड़ी, तो आपको उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा, हम उर्दू भी बोलते हैं, सराइकी भी बोल देते हैं, हर चीज़ बोलते हैं, क्योंकि हमारी सारी जबान हमारी अपनी है, तो हमारे पैसे नहीं लगते बोलने में, तो हम बोलते रहते हैं। और ये देखें अनस भाई ने वी आई पी स्टार बनाए हुए हैं, ब्लैक एंड वाइट दीवार की हुई है, कमाल है, तो देखें बहुत अच्छा सेटअप है, कड़ी भी लाई है, ओ कड़ी भी लाई है, टाइम में खा लाई, जैसा शीशा टूट गया है, नहीं नहीं शीशा टूट गया। तो तकरीबन कटिंग हो चुकी है, बाकी अनस भाई कितना टाइम लगेगा? दो मिनट। अनस भाई एक और नया स्टाइल चला है, वो कैंची को ऊपर से ऐसे ऐसे मारते हैं, वो क्या स्टाइल है? हाँ ऐसे वाला, हाँ ऐसे वाला, वो ना कटिंग का हिसाब है, अपना स्टाइल है, वैसे भी वो कटिंग का हिसाब, ये हम कर रहे हैं बराबर। अच्छा बराबर, वो थे रफ कैंच के रफ करने वाले, अच्छा ठीक, अब पता ताहिर भाई जरा वो लेवल सिंपल रहते हैं तो ये सिंपल ही करवाते हैं, ये अभी सिंपल है, इतनी वीआईपी कटिंग है, रोनाल्डो वाली कटिंग करा ली इन्होंने, सिंपल है, सिंपल है।
और ताहिर भाई की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, ऐसे अनस भाई? बिल्कुल। अब कटिंग तो इनकी देख लें आप, इधर देखना ज़रा ताहिर भी साइड ये देखें, ये साइड अनस भाई आप क्या करने जा रहे हैं, आखिरी टच है? हाथ हो रहा है, अच्छा ठीक है, ये बहुत अच्छे भाई हैं, पैर तो बांधते हैं, सेवा भी करते हैं, आप यहाँ पे आके इंटरटेन भी होंगे, कटिंग भी करवाएंगे और इजी भी होके जाएंगे। तो ये फाइनल टच है। ये आप ये फॉर्म लगाएंगे केड़ा गद्दा ले आके आना, डायमंड का फॉर्म लाओगे? सीमेंट लगाना। अच्छी डायमंड का फॉर्म हो, केड़ा फॉर्म है तुम्हारे? ग्लाइड, ग्लाइड या ग्लाइड जेड़ा भी है। या क्या बात है, ना प्रमोशन नहीं करना कंपनी का, रास्ता ले ना किता। अच्छा ऐसे ठंडक ज़्यादा अंदर तो बता दें जो आज सर्दी के तीसरा दिन स्टार्ट हो जाएगा, तीसरा दिन तो हो गया ना ठंडक का, ठंड होने चौथा मौसम अच्छा है, पियो अपनी लाइफ, चाय पियो, कॉफ़ी पियो। दूसरी दुकान पिलाई है अनंत भाई ने, अभी हमें कोल्ड कॉफ़ी पिलाई है और वो हमने नहीं दिखाई क्योंकि हमारे टाइम नहीं था इतना, इसलिए हम नहीं दिखा सके। झूठ बोल रहे मजाक युगल भी होना चाहिए ना अनस भाई, नाराज ना हो ना आप, चौथा ब्लेड लगा रहे आप। नहीं नहीं अनस भाई एक अच्छा काम करते हैं, जहाँ पे भी ब्लेड काम छोड़ जाता है तो ये ब्लेड को छोड़ देते हैं वहाँ पे, तो अच्छी बात है, काम ऐसा होना चाहिए, जब ब्लेड काम ना करे उधर नया लगा देना चाहिए। कई लोग एक ब्लेड से घसते रहते हैं और एक दो तीन गाहकों को लगाते हैं, ये इससे बीमारी का बायस बनता है और बहुत नुकसान है। कैसे अनस भाई, तो सेफ्टी भी ज़रूरी होनी चाहिए, साफ सुथरा काम होना चाहिए। तो अनस भाई कोई चीज़ है, हमने अल्लाह ताला को जानते हैं। हाँ बिल्कुल, अल्लाह पाक को जान लेना, बेशक बिल्कुल बिल्कुल, अकलाल की खाएँगे, थोड़ी खाएँगे उसमें भी बरकत है, थोड़ी कमाएँगे उसमें भी बरकत है, तो ज़्यादा की लालच में जो हलाल भी होता है बंदा उसको भी ठुकरा देता है, तो अच्छी बात है कि हलाल करके मेहनत करके खाएं। हो चुका है और अब क्या करना है अनस भाई? रेडी करना है। रेडी तो करना की करना वा? रेडी और रेडी तो करना मतलब अब किस चीज़ का ट्रीटमेंट देंगे आप? अभी बाल बनाना है। अच्छा ब्लोअर वगैरह मारेंगे सर पे? सर पे नहीं मारी, बालों पे हवा मारनी है। नहीं इसे गर्मी लग रही है मैंने इसलिए मारना, इसके बाल बनाने, बाल बनाने ज़रा फेस ऊँचा करें ना भाई, देखें मम्मी डैडी कटिंग हो चुकी है, तुम कहा तवा मुंडे ने डैडी नहीं मोम डैड सिंपल है, पहले मैंने बात की है, ये ताहिर ताहिर भाई बहुत अच्छे हैं, ये लड़कियों का तेनू खर्चा लग गया, मैंने कहा चाय पिलाई है तुम्हें, उन्हें दिन चला चाय पिलाई, कोल्ड कॉफ़ी, क्या बात है, कोल्ड कॉफ़ी पिलाई है इन्होंने। भाई कटिंग हो गई है, कटिंग शटिंग हो चुकी है, तो अब इसकी हम लाते शाते दबाएंगे। अच्छा बड़े दिनों बाद है ना इसके, ये कटिंग कराने के बाद दबाते भी है बंदे को। ताहिर भाई की कटिंग वी आई पी हो चुकी है, ताहिर भाई देखो कैसी लग रही है कटिंग? अच्छी लग रही है, शीशे में देखो ना आप, अच्छी लग रही है। तो दो दस में तो ये देखें, मैं ये देखो हमारी चार्जिंग बैटरी लो हो गई थी, हमें ये देखें तार लगा दिए, इनकी इनका भला हो, इन्होंने इतनी बड़ी तार लेके रखी हुई है, पूरे मोहल्ले में घूमती है इनकी तार। तो अनंत भाई यहाँ पे ब्लोअर लगाएंगे आप? यहाँ पे ब्लोअर लगाएंगे, ब्लोअर पड़ी है, तो ये अनंत भाई ब्लोअर बालों को सेट कर रहे हैं, तो क्या बात है। तैयार हो चुके हैं,
तो ताहिर भाई देखिए कैसे लग रहे हैं आप, कमेंट सेक्शन में बताएं पहले की लुक और आपकी लुक। तो मवाल अनस भाई गुड हो गया, 5:30 बजे आए, अब 6 बज चुकी है, तो आधा घंटा तकरीबन लगा है ताहिर भाई को रेडी होने में, आधा घंटा मुझे लगेगा, मेरा काम इतना नहीं है, ताहिर भाई का ज़्यादा था, तो अब मुझे ज़रा 15-20 मिनट लग जाएंगे ऐसे। जी, छोटा स्पेस है, ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। मुझे ये क्या साफा सूफा डाल दिया है, साफा सूफा नहीं, ये अपर वगैरह लगा दिया है, अपर होता है ना, अपर वगैरह लगा दी जर्सी, जर्सी पहना दी है मुझे, तो अब कटिंग की बारी है स्टार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। अनस भाई एक जैसी कटिंग करना है यार, ठीक है सर, पहले भी आप एक जैसे करवाते हैं ना। हाँ आप जुड़ो, ये बड़े भाई है ना मेरे, आयुष भाई की कटिंग स्टार्ट हो गई है अब। हो गई है भाई कटिंग जी, ऊपर से ऊपर, और ये जो माथे पे बाल है ये, ये वाले बाल, हाँ यार इसने भाई ने पहले किसी से कटवा ली है, तो उसमें मैं इसको काटवा ना, फिर ये ऐसे रहेंगे, फिर मगे अच्छे ने वो अजीब सा बंदा लगेगा, ठीक है, अब ये बड़े होंगे ना इसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो फिर उनके बेस्ट की तरह ना सेटिंग भी अच्छी होगी, अच्छी जैसे आपके आप अच्छे लग रहे हैं आगे ऐसे नहीं ना, आपके भाई के भी ऐसे हैं, तो सेटिंग टाइम लगेगा, गुजारा करना पड़ेगा। ये भी कटिंग अच्छी लग रही है आयुष भाई, एक दो महीने अभी सबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाल इसके साथ अटैच होंगे तो फिर सही हो जाएगा, तो अब मशीन लगवाएंगे आयुष भाई। कटिंग हो गई कंप्लीट, आयुष भाई की कटिंग अच्छी हो गई है, एक दो हफ्ते तंगी होगी मेरी, एक महीना पूरा, 3 मंथ पक्के हैं, 2 मंथ में ऐसे कह दिया, 3 मंथ पक्के, ये अभी जब तक ये बाल नहीं आते तब तक कटिंग ऐसे करवाते रहेंगे, ये इनको नहीं छेड़ते तब तक के लिए जब तक ये बराबर नहीं हो, जब बराबर होंगे के भाई मारेंगे आप, हाँ इनको नहीं छेड़ना इनके भाई मारेंगे, तो अभी कम्प्लीट हो चुकी है, अभी थोड़ा सा हमें भी आवाज वहाँ मार दें, वहाँ हम आए उठा के बैठाए, बाल स्ट्रेट किए जा रहे हैं सीधे सिर्फ, ठीक है, हाँ गर्म हवा के साथ ये जेल लगा रहे हैं, जेल भी लगाई जा रही है, आवाज़ नहीं उतरेंगे नहीं ध्यान करें, तो भाई अनस भाई जेल भी लगा रहे हैं, जेल लगा के तेरे जुआ मेनू पै जाना है, कोई गल नहीं, ये मजाक करा, जुए नहीं है दोनों के साथ में, नहीं मुँह तो ना मार, गर्म हवा आएगी, कोई बात नहीं। आज भाई की भी कटिंग हो गई है तकरीबन कंप्लीट, तकरीबन क्या हो गई, पूरी हो चुकी है, लेकिन एक ये वजह ना ये बस कुछ नहीं यार, इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करके देखो, आंखें बंद करके तो मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ा आया कटिंग भाई से मिले हैं, तो दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं दोनों की कटिंग, तो ताहिर भाई मेरी कटिंग कैसे लग रही है आप, अच्छी लग रही है, तो मुझे आपकी भी अच्छी लग रही है, और आप बताओ कटिंग कैसे लग रही है, तो अपने मुंह में मिट्टू, मिट्टू तो चूड़ी खानी है, तो ऐसा खावा नहीं पड़े, ये बालेगा तो थोड़ी सही, आप कहाँ से करवाएंगे, स्टार्ट ना करें आप, जिधर से भी कराए तो उसका तो ये बाल लापरवाही की वजह से हैं कि हम चले जाते हैं और नहीं जैसे कटिंग करता है करवा के आ जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है बाल बड़े होते हैं, पहले तो साफ हो जाते हैं, बाद में जब ब्लेड लगा देते हैं उसके बाद बाल आते हैं, तो हमें तंगी होती है, इससे बेहतर आप पूछ लो ज़्यादा फिर ब्लेड ना लगवाएं, जहाँ लगवाने की जरूरत ही नहीं, तो बगैर वजह कहीं ब्लेड मत, कैसे अनस भाई, तो अच्छा लुक दिया अनस भाई ने, तो आप